दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ की दवा आती है एमेरिल, GP4, जोरिल 4, ग्लिमिपराइड, डायमेक्रॉन, साइब्लेक्स, ग्लाइजिडेम, या इस तरह दवा जो बोलते हैं सल्फोनिल यूरिया कहते हैं, इसे बोलते सल्फोनिल यूरिया दवा होती हैं। ये कैसे काम करती हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या है और इसके साथ प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? तो आप जान लो, जितनी दवा होती है शुगर की, जो बोला ने एमरिल या जोरिल या GP4, इन सब में शॉर्ट होता है ग्लिमिपराइड। ये ग्लिमिपराइड क्या होता है कि जब मरीज टैबलेट खाता है, ये पेट में जाने के बाद ये ग्लिमिपराइड टैबलेट पेट में जा करके हमारे लीवर के अंदर बीटा सेल पे जाकर अटैच होकर के वहाँ से इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। ये इंसुलिन जो रिलीज होता है वो मसल के अंदर, लीवर में और फैट सेल में ग्लूकोज को ब्लड में से पुश करके मसल में यूज करता है, ग्लूकोज को ब्लड में पुश करके फैट सेल में पुश कर देता है, वहाँ यूटिलाइज होता है एज स्टोर फॉर फैट और एनर्जी में यूज होता है, या उस ग्लूकोज को लीवर पुश कर देते हैं जहाँ वो स्टोर हो जाता है एनर्जी या यूज होता है स्टोरेज के लिए। तो जितने भी ग्लिमिपराइड टैबलेट है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन लीवर बढ़ाता है। ये टैबलेट जो है, एक बार आप गोली खा लीजिए तो ये पूरे 24 आवर्स काम करता है और कंटिन्यूस स्लो इंसुलिन रिलीज होता रहता है। ग्लिमिपराइड का डोज क्या होता है, 0.5 mg से लेकर के 8 mg पर डे का डोज होता है। आप दिन में एक बार से लेकर 2 बार इसको खा सकते हैं। मान लो आप 4 mg खा रहे हैं तो 2 mg सुबह 2 mg शाम खा सकते हैं, या 1 टाइम भी खा सकते हैं। तो मैं बोला कि ग्लिमिपराइड ये डायबिटीज बहुत कॉमनली यूज ड्रग है जो कि 24 आवर काम करती है और अप टू 8 mg पर डे ले सकते हो। इसका ये शुगर की बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है और बहुत कॉमनली यूज होती है, बट चूंकि कंटिन्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, आप चाहे खाइए चाहे मत खाइए, तो इसमें क्या होता है, खाने में देर हो जाए तो शुगर लो होने का चांस होता है। तो जब भी इस तरह गोलियां खाते हैं तो आपको टाइम टाइम पर खाना जरूरी होगा आपको, और खाने में देर कर दोगे, कभी पेट खराब हो जाएगा, खाना नहीं खाओगे, आपको शुगर बिलो नॉर्मल चल जाएगा। तो जिस तरह एमरिल ग्लिमिपराइड टाइप दवा जब भी लेते हैं तो आप ध्यान रखेंगे आप खाना टाइम पर खाएं। अब खाना टाइम पर नहीं खाएं तो आप बीच में शुगर लो खतरा होता है। अक्सर देखा गया कि लंच से पहले या डिनर से पहले या रात को 12 से 3 बजे के बीच में, जब खाना के 3-4 घंटे बाद ये शुगर बिलो 70 आकर के घबराहट, धड़कन, पसीना हो जाता है, ऐसे में आपको कुछ मीठा खाना पड़ेगा। और इसे बचने के लिए हमेशा टाइम टाइम पर खाना खाइए, यानी कि ब्रेकफास्ट किया फिर 2.5-3 घंटे बाद खा लीजिए, फिर लंच के 2.5-3 घंटे बाद खाइए, फिर सोते हुए जरूर खाइए, अदरवाइज बीच में शुगर आपका लो हो जाएगा। लो शुगर बचने के लिए जब भी शुगर अगर 85 या 90 से कम आ जाए तो थोड़ा डोज कम कर लीजिए। अब सवाल लिखिए और साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट तो पहला तो लो ब्लड शुगर साइड इफेक्ट होता है, दूसरा होता है कभी कभी एलर्जी करता है, स्किन में इचिंग हो जाती है या कभी कभी स्किन में रैसेज पड़ जाते हैं, और मेनली 2 ही साइड इफेक्ट होता है। और इस गोली को और किसी किडनी में खराबी है, ज़्यादा एडवांस किडनी फेलियर है, उसको नहीं देना चाहिए। नॉर्मली हम इसको बच्चों को कम देते हैं, बच्चों को नहीं देना चाहिए इसको। और इस तरह से आपने समझा कि ग्लिमिपराइड टैबलेट जो कॉमनली यूज ड्रग है वो कैसे काम करता है। तो मैंने बोला इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है पेनक्रियाज बीटा सेल से, और इस तरह से ये ब्लड में ग्लूकोज कम करता है, बट इसके प्रिकॉशन लेने पड़ता है शुगर लो ना हो। क्योंकि जब मैं बोला कि इससे शुगर अगर आप डोज ज़्यादा लेते हैं शुगर लो करता है, जब शुगर लो करता है तो आदमी बार बार खाता है शुगर लो से बचने के लिए, तो अक्सर से वेट बढ़ने लगता है। तो साइड इफेक्ट शुगर लो होना, थोड़ा वेट बढ़ना, और कभी कभी स्किन एलर्जी होती है। किसी किसी में क्या होता है कि स्किन सन सेंसिटिव जाती है, फोटो सेंसिटिव, ऐसे लोगों का क्या है कि कभी स्किन डार्कनिंग हो जाती है। तो अगर आप ये गोली खा रहे हो एमरिल, जोरिल, GP4, ग्लिमपिड टाइप गोली खा रहे हो, तो आप अगर स्किन पिगमेंटेशन हो रहा तो ऐसे में शॉर्ट टाइम से बंद कर देखा जाता है कि कहीं ये स्किन को फोटो सन सेंसिटिव नहीं कर रहा, जिसके वजह से आपका पिगमेंटेशन स्किन में बढ़ रहा। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि ये ग्लिमिपराइड टैबलेट क्या होती है, कैसे इसको खाना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए।